नमस्कार मित्रों, डिजायर पर चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। तो बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है कि उन्हें भौतिक विज्ञान की भाषा समझ में नहीं आती, तो ऐसे छात्र इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि भौतिक विज्ञान बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल चीज़ है, उसे समझना बहुत आसान है। और मैं आपको ये प्रॉमिस आज कर रहा हूँ कि सारे के सारे चैप्टर मैं एकदम आसान लैंग्वेज में कंप्लीट करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना आसानी से और कितना जल्दी ये सारे चैप्टर खत्म हो गए। तो चलिए आज पहले अध्याय पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12। अब देखिए, ये जो अध्याय शुरू होता है, हमारी रेलगाड़ी जब पटरी पर चलनी शुरू करती है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय किसके अंतर्गत आता है पहले हम इसको देखते हैं। यानी जो हमारे दादाजी हैं, इस अध्याय के दादा, वो हैं स्थिर विद्युत की, यानी स्थिर विद्युत की के अंतर ये अध्याय आता है जिसको हमें पढ़ना है। तो अब स्थिर विद्युत की क्या है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, विद्युत की का मतलब आप समझिए आवेश, अर्थात कोई एक बिंदु आपको दे दिया जाएगा, एक बिंदु दे दिया जाएगा और उस बिंदु पर आवेश जा करके रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे रसगुल्ले की दुकान पर आप रसगुल्ला देख के रुक जाते हैं, समोसे की दुकान पर समोसा खाने के लिए रुक जाते हैं, उसी तरह से आवेश भी चाय पीने के लिए किसी एक बिंदु पर रुक जाएगा। और ये बिंदु आपकी कक्षा वाली बिंदु नहीं है जिसके सर पे बहुत सारे जू रहते हैं। तो भैया एकदम आसान है कि कोई एक बिंदु होगा, जैसे इसका कुछ नाम दे देते हैं ए, और उस बिंदु पर आवेश स्थिर होगा और उसी बिंदु पर स्थिर आवेश पर हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मुख्यतः दो अध्याय आते हैं, पहले तो कई अध्याय थे लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न ने थोड़ा सा समेटा है इसे। तो स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत मुख्यतः दो अध्याय आते हैं। प्रथम अध्याय है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसका आज हम शुभारंभ करेंगे, अध्ययन करेंगे, और दूसरा होता है विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। तो ये आगे की बात है। ठीक है, अब समझिए, पूरा का पूरा खेल घर्षण विद्युत का है। घर्षण विद्युत, घर्षण से आप परिचित होंगे, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। आप लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा, आप लोगों ने पेन को लिया होगा, अपने बालों में रगड़ा होगा और उसको रगड़ने के बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए होंगे तो उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। तो यही चीज इसे कहते हैं घर्षण विद्युत, यानी घर्षण, रगड़ने पर कोई वस्तु विद्युतमय हो जाए तो इसे घर्षण विद्युत यानी रगड़ना। अब इसी पर आधारित पूरा अध्याय है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक हुए लगभग 2500 वर्ष पहले, मैं लिख देता हूं 2500, ये 2500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, और उन्होंने क्या किया कि अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। तो उन्होंने जब अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि अंबर के अंदर छोटी छोटी दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ गया। ठीक उसी तरह से जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसी तरह से अंबर ने दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो इन्होंने कुछ समय बाद, यानी कई साल बीत गए, इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने इन पर प्रयोग करना शुरू किया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऊनी वस्त्र से कांच की छड़ को जब रगड़ा, कांच की छड़ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो उन्हें भी यही मिला। क्या मिला कि भाई कांच की छड़ के अंदर वही गुण आ गया जो अंबर की छड़ के अंदर आया था, यानी कांच की छड़ दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। और फिर उन्होंने देखा कि बिल्ली की खाल से एबनॉइड की छड़ को रगड़ा तो एबनॉइड की छड़ में भी वही गुण आ गया। क्या करो, क्या गुण आ गया कि एबनॉइड की छड़ दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने दो कांच की छड़ ले ली, दो कांच की छड़ ले ली और एक यहाँ पे बना देते हैं, ये भी हमारी कांच की छड़ है, कांच की छड़, दो कांच की छड़ ले ली और दोनों की दोनों कांच की छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। अब ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की दोनों कांच की छड़ों को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा और रगड़ने के बाद जब दोनों को पास लाए, जैसे ये दोनों छड़े हैं, दोनों को हमने ऊनी वस्त्र से रगड़ा है और अब जब दोनों को पास ला रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, यानी इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित कर दिया। प्रतिकर्षित समझाऊंगा आगे और आसान भाषा में, बस अभी समझते चलिए। प्रतिकर्षित मतलब दूर भागना, दोनों ने विपरीत दिशा में बल लगाया और दोनों अलग दिशा में भागने का प्रयास करने लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि दो एबोनॉइड की छड़ ली, अब की बार दो एबोनॉइड की छड़ ली
ये बुनाइट है। अब फिर वही काम किया, इनको पास लाए यानी बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, और फिर जब पास लाए तो एबोनाइट की छड़ ने भी वही काम किया जो कांच की छड़ ने किया था, यानी दोनों पास लाए तो दोनों ने विपरीत दिशा में बल लगाया और एक दूसरे से दूर भाग गई, यानी फिर से इन्होंने क्या किया, प्रतिकर्षण कर दिया, प्रतिकर्षित हो गई, एक दूसरे से दूर भाग गई। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और उसे ऊनी वस्त्र से रगड़ा, और एक एबोनाइट की छड़ ली उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो हम यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लिखने का प्रयास, ठीक है। तो ये हो गया एबोनाइट की छड़, समझ लीजिएगा, और ये हो गई कांच की छड़। आप इसे स्वतंत्र रूप से लटका कर प्रिंटकल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर डालने से कोई मतलब है नहीं। तो अब क्या किया गया कि एबोनाइट की छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा, और कांच की छड़ को किससे रगड़ा, ऊनी वस्त्र से। और जब इन दोनों को पास लाए तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गई, यानी एक दूसरे से जा करके चिपक गई, जैसे ये छड़ थी जाके चिपक गई एक दूसरे से, यानी क्या हो गया, आकर्षण हो गया। ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हुई, आकर्षित तो हो गई। तब वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि कांच की छड़ पर जो आवेश है वो अलग है, एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश है वो अलग है। इस तरह से, क्योंकि वैज्ञानिकों को पहले ये नहीं पता था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो अब इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। फिर से भैया कुछ नहीं किया, ऊनी वस्त्र से कांच की छड़ को रगड़ा, दो कांच की छड़ ली, पास लाए तो दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से दूर भाग गई, बिल्ली की खाल से दो एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, दोनों एबोनाइट छड़ पास लाए, दोनों एक दूसरे से दूर भाग गई। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि इंसान है, तो कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, जब दोनों को पास लाए तो दोनों एक दूसरे से जुड़ गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं कि आवेश क्या होते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेश क्या है, किस चिड़िया का नाम है आवेश। तो भैया आवेश के बारे में जानना बहुत आसान है। देखिए, पिछली कक्षा में, हाई स्कूल में ले चलता हूं, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अभी तक आपको याद होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आपसे पूछ रहा हूं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अर्थात आवेश एक काम करता है, क्या काम करता है, आवेश विद्युत धारा उत्पन्न कर लेता है। दूसरी चीज आपने सुनी होगी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक अध्याय था, याद होना चाहिए आपको, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात एक अकेला आवेश दो काम कर लेता है, एक तो ये विद्युत धारा उत्पन्न कर लेता है और एक उत्पन्न कर लेता है चुंबकीय प्रभाव। अर्थात आवेश के अंदर दो गुण है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का, चलिए धारा हटा देते हैं, विद्युत हो गया, क्लियर, एकदम आसान, और ये चुंबकीय प्रभाव। तो हमने यही चीज लिखा कि किसी वस्तु का वह गुण धर्म कौन है, आवेश, किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिससे यहां विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एकदम आसान, कुछ नहीं याद करना है भैया, एकदम आसान है, किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिससे यहां विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। अर्थात अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो यह उसके प्रभावों को अनुभव कर लेता है, वहां पर पहुंचकर उसका अनुभव करता है। अब अगर इसके मात्रक देखे जाए तो इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। तो बस आवेश के बारे में आपको इतना ही जानना है। अब हम देखेंगे आवेश की संकल्पना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आवेश की संकल्पना पर चलेंगे। तो अब हम देखेंगे आवेश की संकल्पना।
अब हम देखेंगे आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है। तो हम इसको समझते हैं कि जैसे ये कोई हमारे पास वस्तु है। अब ये वस्तु है तो वस्तु के पास होंगे अणु, अणुओं के पास होंगे परमाणु। तो अब सबसे पहले परमाणु की संरचना समझते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि भैया जैसे कि कोई परमाणु है, यहाँ पर समझते हैं इस बात को कि ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और ये हो गई कक्षा जिस पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, प्रोटॉन्स पर होता है धनावेश, और न्यूट्रॉन्स पर होता है उदासीन, यानी कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का आप आवेश जानते हैं -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। प्रोटॉन पर आप आवेश जानते हैं +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और न्यूट्रॉन उदासीन। अब समझिए, अब जैसे हम थोड़ा पीछे चलते हैं, हमने देखा था कि ये कांच था, कांच की छड़, और ऊनी वस्त्र ये था, और हमने एक कांच की छड़ ली थी। एकदम पीछे चल रहा हूं, कांच की छड़, और हमने इन दोनों को रगड़ा था। तो आप समझिएगा, जब तक कांच की छड़ को हम ऊनी वस्त्र से नहीं रगड़ते हैं, तब तक दोनों वस्तुएं उदासीन की अवस्था में हैं। अर्थात ना तो कांच की छड़ के पास कोई आवेश है, ना तो ऊनी वस्त्र के पास कोई आवेश है, यानी दोनों उदासीन है। उदासीन मतलब ना तो धनावेश ना तो ऋणावेश, यानी बेकार, वेल्ला। अब हमने जैसे ही कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, तो एक जादू हुआ, मैजिक हुआ। मैजिक क्या हुआ कि ऊनी वस्त्र से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके चले गए कांच की छड़ के पास। अब समझिएगा मेरी बात, जब कांच की छड़ के पास वो इलेक्ट्रॉन्स गए, तो कांच की छड़ पर किसका अधिकता हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का। और ऊनी वस्त्र पर किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऊनी वस्त्र पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी बढ़ कौन गया? प्रोटॉन। यानी अगर पहले 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, लेकिन अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा एक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और तो भी ये हो जाएगा 3.5, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गए और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब जो ज्यादा होगा वही राज्य करेगा, जैसे कहानियों में होता है, जिस राजा की सेना ज्यादा बड़ी होती है वही राजा बनता है। तो अब भाई ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धनावेश। यानी ये ऊनी वस्त्र किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? धनावेश की भांति। कांच की छड़ पर किसकी अधिकता हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। यानी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऋणावेश की भांति। अर्थात कौन आया और कौन गया? इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन गया। तो इस बात को लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या लिखा है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उस पर ऋणावेश, तथा यदि कम है, यानी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में कोलाहल होगा, मचा होगा, और डाउट ये होगा कि सर केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों किया जाता है आवेश की संकल्पना? इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन के तौर पर भी समझा जा सकता है कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों की जाती है। भाई प्रोटॉन के आधार पर भी तो कर सकते हैं, प्रोटॉन भी तो जा सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता? तो अब इसका तात्पर्य मैं इसको भी समझाता हूँ। देखिए, अब जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहला कारण तो ये होता है कि अगर एक कहानी बताऊं, मैं आपको कहूं कि ये वाली पेन 1 किलोग्राम की है और ये वाली पेन 50 किलोग्राम की है। अब आपको इन दोनों पेनों में से एक पेन को चूज करना है और 10 किलोमीटर तक तो भागना है, तो आप कौन सी पेन उठाएंगे? आप 1 किलोग्राम वाली पेन उठाएंगे ना, कि 50 किलोग्राम वाली उठाएंगे? 1 किलोग्राम वाली। उसी तरह से जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, सीधे अगर कहूं इस तरह से, मास ऑफ प्रोटॉन होता है
वो होता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अगर एक प्रोटॉन है तो 1837 गुना इलेक्ट्रॉन का होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 kg का है तो प्रोटॉन 1837 kg का होगा। सोचो इतना ज़्यादा अंतर, इतना ज़्यादा भारी। तो भाई भारी वाला जाएगा कि हल्का वाला जाएगा? तो प्रोटॉन 1837 गुना ज़्यादा है, तो वो छोड़ेगा कक्षा? नहीं भाई, बाहर वाला है, बाहर बैठा है, हल्का है, आराम से चला जाएगा। ये पहला रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है, जिसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये दो रीजन है जिसकी वजह से प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना ना करके इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। पहला, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, 1837, हाँ 1837 गुना ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है, यानी बहुत बहुत भयानक बल उससे जुड़े होते हैं। तो आई होप समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आवेश के गुणों की चर्चा करते हैं, और आवेश के गुणों के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे आवेश के गुणों के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें एक साथ समेटने वाले हैं आवेश के गुणों के अंतर्गत। तो भैया ध्यान से समझिएगा इस बात को। आवेश के गुणों में सबसे पहला गुण जो आता है वो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, आवेश होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है धन आवेश। बहुत आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सभी ने मूवीज जरूर देखी होंगी, फिल्में सभी देखते हैं। फिल्मों में 2 लोग होते हैं, एक तो होता है नायक यानी हीरो, दूसरी होती है नायिका। ऐसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप भविष्य में दोबारा कभी ना भूलें, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, नायक और नायिका, चलिए नायिका को माइनस कर देते हैं, उस तरफ वाला और इधर वाला प्लस कर देते हैं, सॉरी ये प्लस कर दिया हमने। अब नायक और नायिका, तो समझिएगा इस बात को, आकर्षण और प्रतिकर्षण बहुत आसान है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जैसे इस ये छड़ है और ये छड़ है, इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, यानी ये हीरो हो गया और ये विलेन हो गया। अब हीरो और विलेन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? फाइट होगी, यानी एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। हीरो तो भाई चलो जीत जाएगा, 500 को अकेले मारेगा, लेकिन गुंडा क्या करेगा? भागने का प्रयास करेगा। यानी समान आवेश, यानी दोनों छड़ों पर अगर समान आवेश आ जाए, यानी प्लस प्लस आ जाए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वही विपरीत स्थिति हो जाए, एक पर प्लस हो जाए, एक पर माइनस हो जाए, तो दोनों एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लेते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ये सब आपको अपने हिसाब से लिखना है, नोट्स में अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन समझने की बात है। अब इसमें लिखना क्या है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला गुण भी बहुत आसान है। दूसरा गुण है योग का गुण। योग का गुण, तो ये अलजेब्रा है, यानी जो आपने बचपन में पढ़ा है। देखिए आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? क्यू से। तो जैसे क्यू है, 2 क्यू है, 3 क्यू है, तो इस तरह से, यानी समान आवेश, यानी समान आवेश प्लस 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 प्लस, या फिर माइनस 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 माइनस, समान आवेश आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत बेसिक है, एकदम आसान, ये बचपन का नियम है आपका। इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू 6 क्यू।
और विपरीत होता, अगर ये माइनस होता तो क्यू प्लस टू क्यू माइनस थ्री क्यू इज इक्वल टू जीरो क्यू, यानी पूरा कट जाता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या तीसरा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको अलग कर देते हैं। तीसरा जो गुण है वो है प्रेरण। प्रेरण क्या, इसको विद्युत प्रेरण लिखिए, बहुत आसान होगा। विद्युत प्रेरण, समझिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। आपकी पुस्तक में गोला बना के बनाया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रेरण क्या होता है, एक गुण होता है मनुष्यों में ही, देखिए मनुष्यों में, हम बालकों में एक बाइक का जुनून होता है। अगर एक बालक के पास 50,000 की बाइक है तो दूसरे बालक के पास, जैसे हम दो दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त के पास 50,000 की बाइक है और मेरे पास एक बिक्की है सिंपल सी, और मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि भाई मुझे भी थोड़ा सा चलाने के लिए दे दो, और वो मुझे बाइक ना दे, तो मुझे उसके प्रति क्रोध आता है और मैं प्रयास करता हूँ कि कितना जल्दी मैं 50,000 के बजाय 60,000 वाली बाइक ले लूँ। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, मुझे प्रेरित किया बाइक लेने के लिए, हालांकि मेरा काम बिक्की से भी चल रहा था। महिलाओं में यही गुण देखा जाए तो महिलाएं कहती हैं कि आज मैंने 5,000 वाली साड़ी पहनी है, तो दूसरी वाली कहेगी हैं मैं तो 5,000 वाली साड़ी नहीं, मैं 7,000 वाली साड़ी पहन के आई हूँ। समझने की बात है, कई तरह के तात्पर्य होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर जलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेरित होता है। अगर आपने के पास 5,000 का है तो मेरे पास भाई आपसे आगे वाला होना चाहिए, यानी 7,000 का होना चाहिए, मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगा। प्रेरण मतलब प्रेरित होना, दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रेरित हो जाना, उससे आगे बढ़ना। तो वही चीज, जैसे विद्युत प्रेरण विज्ञान की भाषा में कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई छड़ है, छड़ है, और इसे हमने किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से इसको आवेशित किया है, इस पर धन आवेश है, ये हमने इसे को किसी प्रकार से आवेशित किया है, और हम इसके पास एक उदासीन छड़ लाते हैं, उदासीन छड़ लाते हैं। उदासीन का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो इतने, यानी उदासीन। तो ये व्यक्ति है जिसके पास महंगी बाइक है, ये व्यक्ति मैं हूँ जिसके पास सिंपल है, आराम से सीधा साधा। अब इस व्यक्ति ने इसके पास जब लाया गया, यानी आवेशित छड़ के पास जब उदासीन छड़ को लाया गया, तो विद्युत प्रेरण के कारण, यानी प्रेरित होने के कारण, ये दूसरी छड़, या फिर इसको इस आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आवेश वाले गुणों के आधार पर कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इस छड़ में कुछ अंतर हो जाएंगे, और वो अंतर ये होंगे कि इस छड़ को देखकर ये प्लस 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 प्लस, इस छड़ को देखकर ये छड़ क्या करेगी, ये वाली छड़ इस वाली छड़ के सभी मतलब धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित कर देगी, तो सारे प्लस वाले उधर भाग जाएंगे एक तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर्षण के कारण इस तरफ आ जाएंगे, यानी दूसरी वाली छड़ भी आवेशित हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य इतना सा है, विद्युत प्रेरण केवल इतना सा है भैया, कि यदि किसी आवेशित छड़ के पास हम किसी उदासीन छड़ को लाते हैं, तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी वाली छड़ भी आवेशित हो जाती है। प्रेरण मतलब प्रेरित होना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया है, मैंने प्रयास किया है एक्सप्लेन करने का, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। विद्युत प्रेरण बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, किसी आवेशित छड़ के पास किसी उदासीन छड़ को लाइए, विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी वाली छड़ भी आवेशित हो जाएगी, ठीक। अब हम अगला गुण देखते हैं, अगला गुण हमारा है आवेश संरक्षण का नियम, आईवी, आवेश संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब जितने चल रहे हैं, प्रेरण भी इंपॉर्टेंट है, संरक्षण भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है, तो आपको सब याद रखना है, ध्यान से समझना है। अब आवेश संरक्षण क्या होता है, संरक्षण, संरक्षण मतलब सुरक्षित। जैसे ये पेन थी, मैंने इसे अपने बालों में रगड़ा, तो इस पेन के पास आवेश आया, इसने क्या किया कि दूसरी चीजों को
अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। यानी जो कुछ आया इसके अंदर से आया कि मैं कहीं बाहर गया था, मैं गया इलाहाबाद, इलाहाबाद से आवेश खरीद के लाया और इसके अंदर डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। इसके अंदर आवेश था, हाँ वह सुप्त अवस्था में था, हमने रगड़ा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा और वो फिर उत्पन्न हुआ, ये आवेशित हुई। यानी जो कुछ था इसके अंदर था। इसी तरह से मनुष्य होता है, चाहे जिस धर्म के आधार पर देखिए, एक चीज़ कहा जाता है आत्मा, जीवात्मा। तो वो चीज़ जो होती है उसको आप देखिए, ना तो आप उसको काट सकते हैं, ना तो मार सकते हैं, ना तो पैदा कर सकते हैं, ना तो आप जीवात्मा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। उसको काट भी नहीं सकते, उसको मार भी नहीं सकते, उसको जला भी नहीं सकते। उसी तरह आवेश होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इसको वहीं से कनेक्ट कीजिएगा जहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, अभी भूलिएगा मत, याद रखिएगा। आवेश संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो आवेश संरक्षण का मतलब है कि आवेश संरक्षित है, संरक्षित मतलब सुरक्षित है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश ना उत्पन्न, थोड़ा तेजी से लिख रहा हूं, किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अर्थात बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित लिख लीजिएगा, किया जा सकता है। तो आसान है, आवेश संरक्षण का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम जो है वो है आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। तो एक कहानी सुनाता हूं, बहुत आसान सी कहानी, आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, थोड़ी सी कल्पना आपको यह करनी है कि आपको एक साइकिल चाहिए थी और आपने अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे ये साइकिल चाहिए, मुझे खरीद के दे दीजिए। तो पापा ने आपसे कहा, भैया आप हाई स्कूल पास कर लीजिए, मैं आपको साइकिल खरीद के दे दूंगा। आपने हाई स्कूल पास किया, आपको साइकिल नहीं मिली, आपने कहा पापा साइकिल नहीं दिए। पापा ने कहा 11th पास कर लीजिए, फिर साइकिल देता हूँ। तो आपने 11th भी पास किया, अब आप 12th में आ गए हैं। और 12th में आने के बाद आपको 2 साल के बाद वही साइकिल मिलती है जिसको आपने मंगाया था अपने पिताश्री से। साइकिल आके जैसे ही घर पर खड़ी होती है, तुरंत आपकी माताजी कहती हैं, आप उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगा पाते, और तुरंत आपकी माताजी कहती हैं कि भैया स्कूल का टाइम हो गया है, विद्यालय चले जाओ। अब आप घर से विद्यालय चले जाते हैं, आप क्लासरूम में बैठ जाते हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं उस वक्त जो पढ़ा रहा हूँ, आपका ध्यान उस पर होगा या फिर आपका ध्यान उस साइकिल पर होगा जो घर पर खड़ी है? फिर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बहुत जद्दोजहद करने के बाद आपको साइकिल मिली है और आपने अभी तक उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया, आप विद्यालय आ गए हैं, तो आपका ध्यान उस साइकिल पर है या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर है? आपका ध्यान साइकिल पर है, अर्थात आप आवेशित हैं अभी, आपका पूरा का पूरा ध्यान साइकिल पर लगा हुआ है। आपको मेरे पढ़ाए से आज कोई मतलब नहीं, आप कहीं ना कहीं से कल कवर कर लेंगे, लेकिन आज आप चाहते हैं कि भाई आपको साइकिल मिल जाए, आप थोड़ा सा उसे चला लें। अब अगर मैं आपको विद्यालय के प्रांगण में, यानी जो ग्राउंड होता है उसमें, मैं कहूं कि आपका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में और आप इस पूरे ग्राउंड में भागो, आपको मैं पूरे ग्राउंड में भगा दूं, तो क्या आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा? नहीं, भागते रहोगे लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? साइकिल पर। कितनी जल्दी छुट्टी हो जाए और मैं घर पहुंच जाऊं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि आप आवेशित हैं, यानी कोई वस्तु यदि आवेशित है तो उसे कितना भी वेग दे दीजिए, कितना भी भगाइए, उस पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आसान था, समझ में आ गया होगा। अब जो छठा गुण होता है वो होता है आवेश का क्वांटमकरण।
क्वांटम करण हम कल समझेंगे, क्वांटम प्रकृति हम कल समझेंगे, क्योंकि आज आपके जो समझने का लेवल है वो शायद पर्याप्त मात्रा में पूरा हो चुका है। तो कल हम उसको क्वांटम प्रकृति समझेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से हम देखेंगे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आपको लिख लेना है अच्छे से, हमेशा एक बात याद रखिएगा, नायक और नायिका ये चीज़ याद रखिएगा, समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा नियम था योग का गुण, ये बेसिक होता है, समान आवेश जुड़ जाते हैं, विपरीत आवेश घट जाते हैं। तीसरा था विद्युत प्रेरण, जहाँ पर हमने कहा कि व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलता है, उसी तरह से वस्तुएं भी एक दूसरे से जलती रहती हैं, बस आग नहीं लगती। यानी किसी आवेशित वस्तु के पास जब किसी उदासीन वस्तु को लाते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। चौथा नियम हमने देखा, आवेश संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। पांचवा नियम हमने देखा कि आवेश की मात्रा पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अभी मेरी साइकिल चाहिए और मुझे दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया है, कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ ले सके। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को लेकर परेशान है, भैया मैंने प्रयास किया है कि मैं एकदम बेहतरीन ढंग से और बहुत आसान लैंग्वेज शुरू करूँ। तो बस अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। धन्यवाद।